हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ सुरेंद्र। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो आएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरे एमएससी के प्रैक्टिकल चल रहे थे। दोस्तों, बात करूँ एमएससी तो मैं एमएससी ज्योग्राफी सब विषय में कर रहा हूँ। दोस्तों, इस समय पर क्या होता है जब आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चुनते हो जिसमें प्रैक्टिकल है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैंने भी वो सामना किया। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करो अगर आप ज्योग्राफी से एमएससी या एमए कर रहे हो। तो दोस्तों, आज है प्रैक्टिकल फाइल के बारे में कि इसमें प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं। ठीक है, मैंने भी खूब सर्च किया इधर उधर कि कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनाएं, और कई लोगों से पूछा पूछ पूछा के मैंने फाइल बनाई। पर आज आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा कि किस प्रकार आपको फाइल बनानी है। एक तो सबसे बड़ी पहली बात है कि प्रैक्टिकल फाइल के लिए अलग से फाइल आती है। कहीं भी अगर आप शॉप में जाते हो, स्टेशनरी की शॉप में, तो वहाँ पर आपको जाके बताना पड़ेगा ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, तो वो दे देगा आपको। तो उसमें दो सेट आते हैं, एक तो लाइनिंग वाला जो ये दिख रहा है ऊपर वाला पेज, और दूसरा पेज होता है ब्लैंक पेज दोस्तों, जिस पे आपको चित्र बनाना होता है। आपको हर जगह अलग जानकारी मिलेगी। कहा जाएगा कि इधर एक जैसे अभी ये पेज है, ये पेज, ये वाला पेज, इस वाले पेज में लिखना है और इस वाले पेज में आपको चित्र बनाना है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस पेज पे लिख दो, मतलब इस पेज पे दोनों तरफ का पेज काम आ सके, इस वजह से। तो आपको करना क्या है, इस वाले पेज पे लिख दो और यहाँ पर चित्र बना दो ताकि प्रत्येक पेज उसका काम आ सके। अब बात करते हैं अपन किस प्रकार की फाइल बनानी है। तो दोस्तों, ये मेरे पास मेरी ही फाइल है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसी बनानी है। इसमें जेनिथल प्रोजेक्शन है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। इसमें जेनिथल गनोमोनिक पोलर प्रोजेक्शन है, कैसे बनाते हैं इसके बारे में अगर आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। प्रत्येक पेज है किस प्रकार बनाया गया है, क्या क्या यूज किया गया है उसके बारे में। तो इसमें देखो, ये चित्र बनाया है जेनिथल प्रोजेक्शन दोस्तों, ये स्टेंसिल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्टेंसिल आती है दो प्रकार की आती है, एक तो छोटी वाली आती है स्टेंसिल, मतलब इसमें ए बी सी डी ऐसे और नंबर भी लिखे हुए होते हैं, उसकी सहायता से यहाँ पर लिखा जाता है। एक बड़ी होती है जिसमें जो अल्फ़ाबेट है उनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो आप स्टेंसिल का प्रयोग कर सकते हो। ये है, पहले बेस डायग्राम बनाया जाता है, फिर उसकी सहायता से जो ओरिजिनल डायग्राम है वो बनाया जाता है। ये बनाया है मैंने दोस्तों। ठीक है, अब इसका दूसरा पेज उसी प्रकार है, यहाँ पर वो लिखा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद स्टीरियोग्राफिक पोलर प्रोजेक्शन है दोस्तों। ये इस बार जो प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था एमएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छे से अपन को थोड़ा सा लर्न करना है। ये ऐसे उसका चित्र बनाना है, बेस डायग्राम बनाना है, पहले आर एफ कैसे मानते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप कहोगे तो बता देंगे, और अलग से उनका प्रत्येक डायग्राम का एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ऑर्थोग्राफिक पोलर प्रोजेक्शन है, तो इस प्रकार आपको ऐसे चित्र फाइल बनानी है, ब्लैंक पेज पर चित्र, और जो दूसरा पेज है उसमें लिखना है। बोन प्रोजेक्शन है, अच्छे से दिखा देता हूँ दोस्तों, ये मैंने खुद हाथ से बनाए हैं। प्रॉब्लम आई थी पहले कहाँ से बनाएं कैसे बनाएं, पर मैं चाहता हूँ कि आने वाले दोस्तों को जो एमएससी के स्टूडेंट रहेंगे उनको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मार्केटर प्रोजेक्शन है दोस्तों, ये इसमें थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा आपको, पर ये फोटो जो खींचा ना वो थोड़ा सा टेढ़ा खींच गया था इस वजह से, अदरवाइज ये बिल्कुल सीधा है। मार्केटर प्रोजेक्शन ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, पर एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस प्रकार से फाइल बनानी है। ये गल प्रोजेक्शन है, दोस्तों प्रोजेक्शन के बारे में बताऊँ तो प्रोजेक्शन होता क्या है, जो ग्लोब होता है या पृथ्वी होती है उसकी जो अक्षांश लेटीट्यूड अक्षांश रेखाएं, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड, मतलब लेटी हुई रेखाएं, इनका, और जो देशांतर रेखाएं होती है लॉन्गिट्यूड रेखाएं, उनका एक मैप पर निरूपण या कागज पर निरूपण करना। अब ये कैसे निरूपण किया जाता है, ये किया जाता है गणितीय विधि और प्रकाशीय विधि के द्वारा। तो ये होता है प्रोजेक्शन, कहीं पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल का जब वाया हुआ तो मेरे से प्रोजेक्शन के बारे में पूछा गया था। साइनोसोइडल प्रोजेक्शन दोस्तों बहुत हार्ड है, थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। और इस प्रकार आप फाइल बना सकते हो,
इस ब्लैंक पेज में लिखा जाता है और जो खाली वाला पेज है उसमें चित्र बनाया जाता है, सारणी बनाई जाती है, पॉलीलिनियर ग्राफ। ग्राफ तो आपने पढ़ाया होगा 10वीं 12वीं की जो एग्जाम, 10वीं की 8वीं की जो एग्जाम देते हैं उनमें भी अपन गणित में ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें स्टैटिक्स का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्राफ चिपकाया हुआ है दोस्तों, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बैंड ग्राफ। इसमें भी ये जो रेड रेड कलर का है ये ग्राफ चिपकाया है और उस पर फिर पहले फिर चित्र बनाया गया है। क्लाइमोग्राफ ये भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्चिंग मग्गी केन रो जो सिचुएशंस है उनके बारे में आपको ज्ञात होना जरूरी है। ये भी जो प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था इस बार। हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ दोस्तों जो हमसे पहले का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें है डॉट मैप, डॉट मैप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉट मैप और वन ग्राफ, इसमें डॉट से दिखाया गया है कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। बहुत ही अच्छा बनाया है मैंने, बहुत मेहनत की है इन सबको बनाने में। फिर ये आंकड़ों को किस प्रकार गोलीय आरेख में दर्शाया जाता है ये दिखा रखा है इसमें, कहाँ पर आयरन और कैसे मिलती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, विवर्धन और लघुकरण मतलब इनलार्जमेंट एंड द रिडक्शन ऑफ द मैप्स। इसमें थोड़ा सा पहले न्यूमेरिकल किया जाता है, इसका फॉर्मूला है नए मापने अपन पुराने मापने इंटू मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा। तो जो नया विवर्धित मानचित्र होता है उसके वर्ग की भुजा आ जाती है दोस्तों। इसमें क्या थोड़ा कन्फ्यूज होता है याद कैसे करें, तो एन इंग्लिश के वर्ड होते हैं एन और पी, मतलब एन पहले आता है तो नई मापनी हो गई और नीचे पी बाद में आएगा तो पुरानी मापनी हो गई, तो इससे याद रख सकते हो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बनाए हैं हाथ से ही बनाने पड़ते हैं ये सब। वर्णमात्र मानचित्र ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये सब आप बना सकते हो और बनाना पड़ेगा अगर आप ज्योग्राफी से एमए कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो। और दूसरी बात बता दूं आपको, ये सारे प्रोजेक्शन जो बीए सेकेंड ईयर होता है वहाँ पर भी बनाने पड़ते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स को, प्राइवेट स्टूडेंट हो उनको भी बनाने ही पड़ते हैं। ये दोस्तों स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आपको पता ही होगा समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये सब चीज़ें आना जरूरी है। ये लास्ट का पेज है विथर सिंबल, सिंबल्स मौसम विज्ञान, विज्ञान में किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों ये लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पेज था और लास्ट पेज है जिसमें बताया है माध्यिका के बारे में, माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसकी सहायता से आपकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हो। ये मैंने वीडियो बनाने का बनाया इसलिए कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी और साथ मेरे कई साथियों को भी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और अगर आप चाहते हो कि प्रत्येक प्रोजेक्शन को समझाया जाए अच्छे से तो कमेंट ज़रूर करें, मैं प्रत्येक प्रोजेक्शन को समझा भी दूंगा अच्छे से और बना के भी बताऊंगा।